मुनव्वर फारूकी वैसे तो पहले दिन ही कंट्रोवर्सी क्वीन के साथ नोकझोंक का हिस्सा बनकर खतरा मोल चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें खतरों से खेलने का कुछ ज्यादा ही शौक है, जो हर रोज एक नई झड़प का हिस्सा बनकर कैदियों की नजर का कांटा बने रहते हैं। और बात शिवम शर्मा की हो तो उनका तो अंदाज ही निराला है। उन्हें तो जैसे दर्शकों को एंटरटेन करने का पूरा जिम्मा दे दिया गया है। लॉकअप से जुड़े खट्टे मीठे अपडेट्स हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। सीरियल का तड़का में आपका स्वागत है। मैं हूं नुपुर झौरी और आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। बहुत दिनों से करण कुंद्रा, जो बिग बॉस के शो के एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं, उनका नाम कंगना के शो लॉकअप से जोड़ा जा रहा था, लेकिन बीती रात ये राज भी सामने आ चुका है। करण कुंद्रा जेल के नए जेलर बनकर आए हैं, जिन्हें देखकर सभी दर्शक काफी खुश हैं। उनके अंदर जाते ही सभी कैदियों ने अपने अपने मुद्दे उनके सामने रख दिए, जिनमें से कई परेशानियों का हल भी उन्होंने बताया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अंदर मौजूद कैदियों को बहुत सी बातें भी समझाई और साथ ही साथ ये खुशखबरी भी बताई कि एकता कपूर का ये शो लॉकअप ऊंचाइयों को छू रहा है। वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये शो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अब बात करते हैं मुनव्वर फारूकी की, तो उनका दुश्मनी बढ़ाने का शौक तो पूरा ही नहीं हो रहा। शिवम शर्मा वैसे तो एमटीवी के फेमस शो स्प्लिट्स विला के रनर अप रह चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि वो लॉकअप सीजन 1 के थानोस और आयरन मैन है। शिवम के ऐसे बोलने पर मुनव्वर खुद को रोक नहीं पाए और मजाक के अंदाज में बोले कि वाह, दोनों ही मर गए थे। मुनव्वर के ऐसे बयान को सुनकर भड़क पड़े शिवम। जहां एक तरफ ये मजाक चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवम का फ्लर्टिंग का अंदाज उन्हीं पर भारी पड़ गया। बता दें कि पहले दिन से ही शिवम सारा के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे, लेकिन बीती रात सारा की कही कुछ बातों पर रो पड़े शिवम। सारा ने नादानगी में शिवम से पूछा कि तुम्हें ये सब करने को कहा गया है क्या। सारा के ये सवाल शिवम के दिल को बहुत चुभा और उनकी आंखों से उनका दुख नजर आने लगा। वही कई कैदियों की बगावत का सिलसिला अभी भी जारी है। अब बस इंतजार है तो शो की होस्ट कंगना के सामने आने का और उनके रिएक्शन को देखने का। आज के एपिसोड में बस इतना ही। लॉकअप से जुड़ी आगे की अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ HCN न्यूज पर।